सोच रहे हो जी आप? अबे मैं सोच रहा था कि सिमी की पसंद बुरी नहीं है, लड़का ठीक ठाक ही है। और नहीं तो क्या, नहीं तो जो हाल आपने बताया ना, और कोई लड़का होता तो भाग खड़ा होता कब का। क्या करता पागा वाली, मेरी मजबूरी थी भाई, मैं अपनी सिमी के लिए खरा सोना चाहता था, और जब तक सोना आग में तपता नहीं उसकी शुद्धता का पता ही नहीं चलता। इसका मतलब मैं इसको आपकी हाँ समझूं? हाँ भाई हाँ ही समझ ले, लड़का पला है, मेहनती है, पर सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है पता है, शहर में रहते हुए भी गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं उसे अपनी कुलदेवी के मंदिर ले जा सकती हूँ ना? हाँ बिल्कुल ले जा, बल्कि आज ही ले जा। हाँ ठीक है। मिश्री जी डलिए। Darling, oh my doll. Yes, Hansi. तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ, इतने प्यार से बात कर रही हो? क्या बात है डार्लिंग, आज खुश तो बहुत लग रही हो। खुश तो मैं हूँ। अरे मैं तो भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, लेकिन इस खुशी की वजह जान सकता हूँ? कोई खास वजह नहीं है। मैं जानता हूँ इसकी वजह है सिम, है ना? हो सकता है। भाई सिम तुम्हें कैसी लगती है? ठीक है। मुझे तो सिम बहुत अच्छी लगती है। नहीं? हाँ बहुत अच्छी है। और हमारे सनी के लिए सिम कैसी है? ओके ओके। भाई अपने सनी के लिए तो सिम मुझे बहुत 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 अच्छी लगती है। नहीं? हाँ हाँ बहुत 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 अच्छी है। इसका मतलब सनी और सिम की शादी से तुम्हें कोई एतराज नहीं है ना? ये मैंने कब कहा? देखो डार्लिंग मैं तुमसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट आंसर चाहता हूँ। मेरा मतलब है कि सनी और सिम की शादी से तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? Well, सिम एक अच्छी लड़की है। सनी के साथ उसकी जोड़ी अच्छी रहेगी। Good. और इस शादी से मुझे कोई एतराज नहीं है। Very good. What?